बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कई बार पंचायत चुनाव में अनोखा दृश्य भी देखने को मिल चुका है। कहीं कोई शादी कर लेता है तो कहीं कोई अपने ही एक अलग पहचान बनाने के लिए कुछ अनोखा कर जाता है। कहीं कोई मंदिर में पूजा कर रहा है तो कहीं कोई मजार में मत्था टेक रहा है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि उनका चुनाव जीत हो। नामांकन के दौरान कुछ ऐसे ही तस्वीर देखने को मिला। गया जिले के नगर प्रखंड के कुजाब पंचायत से उत्तम कुमार जब अपना नामांकन करने के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे तो वहां अपने समर्थकों के साथ घोड़ा पर सवार होकर आए और नामांकन कराने के बाद जब वह गांव-गांव का भ्रमण करने के लिए निकले तब भी घोड़ा पर सवार होकर वो गांव-गांव का भ्रमण कर रहे थे। पंचायत चुनाव लड़ रहे उत्तम कुमार उर्फ उत्तम यादव ने जब घोड़ा पर सवार होकर गांव-गांव का भ्रमण किया तो हर कोई देखते रह गया। जिस गांव में भी उत्तम यादव पहुंचे उस गांव के लोगों को याद हो गया कि घोड़ा पर सवार होकर भी एक प्रत्याशी यहां आए थे। नामांकन के बाद उत्तम यादव ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। गया से बिहार लाइव सेवन के लिए धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। मुखिया पद से ग्राम माराडी धर्मपुर पोस्ट कुजापी थाना चंदौती के निवासी। अजूबा की तरह घोड़ा पर सवार होके ये मेरा मन नहीं था, ये मेरा जनता का मन है, मेरा भाई का मन है, भाई का प्यार है, मेरे दोस्तों का प्यार है, मेरे जो वोटर है उनका प्यार है। हमारे पंचायत में बहुत सी समस्या है, उसको हमको दूर करना है, इसलिए हम लोग चुनाव पंचायत में आए हैं, जनता के जोर पर आए हैं। हमारे यहाँ नल जल में समस्या है। हमारे पंचायत का जो भी योजना है अभी 5 साल में कोई पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर जबरदस्त थाना के दलाली 15-20 साल से चल रही, हर एक पंचायत के जो भी टर्म का मुखिया है बस यही करते आए हैं, उससे हमारे जनता बहुत त्रस्त है, उसको भी हमको दूर कर देना है और सही इंसाफ जनता को देना और दिलवाना है। उत्तम यादव, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जीत के आएंगे तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? हम लोग जीत के आएंगे तो सबसे पहले पानी का जो समस्या है उसको दूर करना है, नल जल का जो भी समस्या उसको दूर करना है, नली गली का जो भी समस्या उसको दूर करना है। हर जगह हम गए बीच में जनसंपर्क में, जहाँ तहाँ बहुत सा नली है जो बीच में जाम है, कहीं पानी निकलने का जगह नहीं है, उसको दूर करना है। एक हम लोग कुजाब अंदर हेलते हैं दक्षिण पट्टी से, पूरा खाड़ हो गया है, वहाँ बड़ी ज़रूरत है आने जाने के लिए रास्ता बनाने का, उसको हमको बनाना और दूर करना है। सरकार भवन अधूरा पड़ा हुआ है उसको बनाना है, बहुत सा ऐसा काम है जिसको पूरा करके रखना। पहले से काम कर रहे हैं आप? हम अभी तक कोई सा कुछ काम नहीं किए हैं, बस हम यही करते आए हैं कि जनता को जो भी पानी का समस्या हुआ और PHD विभाग से जो चापा कल गड़ा हुआ था, जो बिगड़ा हुआ था, किसी तरह का उसमें दिक्कत था, हम उसको दिक्कत को दूर करते गए और बनाते गए पानी का, इस तरह से समस्या को हमने दूर किया। जी मैं अपने जनता को प्रणाम नमस्कार करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि यही अपील करेंगे कि हमको आशीर्वाद दीजिए और भारी मतों से विजय बनावे और सेवा का मौका दें।